जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप एमपीजी के अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसी ट्रिक से पढ़ें कि जो आपको हमेशा याद रखे, है ना। तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि अच्छी अच्छी ट्रिकों के माध्यम से आपको जो एमपी का सामान्य ज्ञान है वो याद हो जाए। आप पूरे वीडियो जरूर देखें। वीडियो आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर एमपीजी के ट्रिक मिलेगा, है ना। आप एमपीजी के पढ़ते हो लेकिन एक आध दो दिन में भूल जाते हो, लेकिन अगर मेरे आपके पूरे वीडियो एक बार देख लें, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो पूरे वीडियो जरूर देखें दोस्तों। निरंतर आपकी सीरीज चल रही है, रोज आपकी क्लास होती है सुबह 8:15 पर और शाम को 4 बजे, ठीक है। तो इससे एमपीजी की ट्रिकी वीडियो आता है। तो जो भी साथी एमपीजी के एमपीपीएससी एमपीएसआई या फिर एमपी जेल प्रहरी और एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है दोस्तों। आप पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेल आइकन आपको दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का परिचय एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रदेश को लघु भारत, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो सभी लोगों को पता है, पूछ लिया जाता है एक आध क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पर आपका दिया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है, तो रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है आपको बताना है। 4 विकल्प दिए जाते हैं और 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से, जब तक मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों, अब बात आ रही है दोस्तों रेलवे जंक्शन की, काहे की बात आ रही है, रेलवे जंक्शन की। और रेलवे जो रेल रहती है उसको आप रस्सी से खींचोगे तो क्या खींचेगी, नहीं खींचेगी ना, है ना। तो रेलवे जंक्शन जो स्थित है वो कहाँ पर है, इटारसी में है। कहाँ पर है, इटारसी में। और दोस्तों जहाँ पर रेलवे जंक्शन होगा, अब आपको नापना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप कैसे नापोगे, कैसे नापोगे, रस्सी ले लेना है, मैं एक रस्सी दे दूंगा आपको और रेलवे जंक्शन नाप लेना कि कौन सा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। तो रस्सी से आपका इटारसी है ना, इस प्रकार से याद रख लेना है। बड़ा पूछा है तो बड़ा नापने नहीं जाना है, आप रस्सी लेके नाप के और इटारसी बता देना, रस्सी बोले हमने रस्सी से नाप लिया, इटारसी, इटारसी ही बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इटारसी कहाँ है, तो इटारसी है होशंगाबाद में। ये आपका होशंगाबाद जिला है, मैप में देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी स्थित है, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा पूछा है तो जिला भी कैसा होगा, बड़ा ही होगा, कैसा ही होगा, बड़ा ही होगा और बड़ा नाम आएगा उसमें। बड़ा पूछा है तो कौन सा होगा, मैंने हिंट आपको दे दी है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पूछा था तो यहाँ पर बाड़ा, बोले छिंदवाड़ा, बड़ा ही तो है ना, तो छिंदवाड़ा यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, याद हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। और ये देखो, ये है छिंदवाड़ा, पूरे मध्य प्रदेश के देखो जिला, और ये छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, छिंदवाड़ा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो याद रख लेना है, बाड़ा आ रहा है तो बड़ा, ठीक है, बाड़ा आ रहा है तो बड़ा, इस प्रकार से। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तांबे की खदान कहां पर स्थित है, सबसे बड़ी तांबे की खदान बताना है। अब यहां पर तांबे की बात आई है तो दोस्तों गरीब आदमी है, सोना तो नहीं जुड़ रहा है, तो अपन काय के बाला पहनेंगे, अब तांबा, तांबे के बाला पहनेंगे, काय के, तांबे के बाला पहनेंगे। तो तांबे की जो खदान होगी वो कहां पर होगी, कहां पर होगी, बालाघाट में, क्योंकि अब हमें तांबा लेने कहां जाना है, खदान जाना है, तो तांबे की खदान कहां पर होगी, बालाघाट में, क्योंकि हम तांबे के बाला पहनेंगे, बाला, ठीक है, काय के पहनना है, बाला तांबे के, तो तांबे की खदान कहां पर है, बालाघाट में है। अब दोस्तों ये बालाघाट कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो देखें ये है आपका बालाघाट, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है बालाघाट, है ना, और यहां पर तांबे की खदान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो 2 सेकंड हैं आपके और 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताना है दोस्तों। अब एक बात बताना दोस्तों, ऊंची चोटी की बात हो रही है, नीची चोटी और ऊंची चोटी,
अब ऊंची चोटी पे धूप आपको लगेगी कि नीची चोटी पे लगेगी? धूप आपको कहां पर सबसे ज्यादा लगेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो धूप लगेगी दोस्तों हमें ऊंची चोटी पर, तो ऊंची चोटी कौन सी होगी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर है, याद रख लेना। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है आपकी, सतपुड़ा श्रेणी इसकी ऊंची चोटी है, और मध्य प्रदेश की ये सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों ये बात आती है कि ये धूपगढ़ कहां पर है, तो धूपगढ़ है दोस्तों कहां पर? होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक स्थान है पचमणी, ठीक है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमणी को, यहीं पर है धूपगढ़, है ना, धूपगढ़, और ये सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ का सनसेट, सनसेट जो है बहुत बढ़िया दृश्य होता है दोस्तों यहाँ का, ये चीज आपको याद रखनी है, और ये होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ की गुफाएं हैं? अब बाघ की गुफाएं हैं तो कहां पर हैं? अब बाघ जो है दोस्तों आपका क्या है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, और बाघ के दांत इतने नुकीले होते हैं कि अगर एक दांत आपको लग जाए तो खून की क्या लग जाएगी, धार लग जाएगी। तो बाघ की गुफाएं कहां पर होंगी, कहां पर होंगी बाघ की गुफाएं? धार लग जाएगी तो धार में, है ना, बाघ की गुफाएं कहां पर है? धार, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैंने पूरी गुफाएं आपको याद करवाई है ट्रिक से, ठीक है, तो देख लेना। अगला बताना है दोस्तों, और धार कहां पर है? तो ये है आपका धार, यहां पर बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है, अरावली पर्वत की? तो 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है दोस्तों, और मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं कि पुराने समय में जब बलि देते थे, क्या देते थे? बलि, बलि देते थे, ये आया है ना बलि, तो कौन देते थे बलि? जो गुरु लोग होते थे वो बलि दे देते ना, है ना, पुराने समय में। अब तो बलि देना बंद है, लेकिन पुराने समय में जब बलि देते थे तो गुरु लोग क्या करते थे, बलि देते थे। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी? बलि की बात आ रही है, तो बलि कौन देते थे? गुरु, तो गुरु से कर, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर, और ये है आपकी गुरु शिखर कहां पर है? राजस्थान में, माउंट आबू के गुरु से पर, माउंट आबू का जो गुरु शिखर, ये शीर्ष चोटी मानी जाती है अरावली पर्वत की, तो याद रखें ये राजस्थान में है। ये हमारा जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य है, मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान, और यहां पर है अरावली, ठीक है, की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बताना, भरबेली नामक एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी, ये भरबेली है और एशिया की सबसे बड़ी बतानी है, तो आपको पता है दोस्तों कि मैग्नीज हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पर? बालाघाट में। तो ये जो भरबेली की मैग्नीज की अब सबसे बड़ी आ रही है, तो सबसे बड़ी खदान कहाँ पर स्थित होगी? भाई हमने तो देख लिया कि हमारे बालाघाट में पाई जाती है, तो मैग्नीज की बालाघाट में होगी कि और कहीं होगी? बालाघाट में करेंगे ना स्थापित, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों, अब बालाघाट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये है आपका बालाघाट, ठीक है, है ना, और तांबे की खदान है यहां पर, ये चीज सभी को याद रखना है। मध्य प्रदेश में खुली जेल स्थित है तो कहां पर स्थित है? खुली जेल, तो 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खुली जेल कहां स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर स्थित है? मूंगा। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप? मूंगा, आप देखते ना मूंगा, हीरा, मोती, कहीं आप अंगूठी में मूंगा पहनो, क्या पहनो? मूंगा पहनो, और दोस्तों अगर आप मूंगा चुरा लोगे किसी का तो जेल खुली है, अगर आप किसी का मूंगा चुरा लोगे तो जेल आपके लिए खुली है, इसलिए मूंगा नहीं चुराना है क्योंकि जेल खुली है। तो खुली जेल कहां पर होगी? मूंगावली में। अब एक दिक्कत और आ जाती है कि ये मूंगावली कहां पर है, तो याद रखें दोस्तों ये मूंगावली है आपका अशोक नगर में, कहां पर है? अशोक नगर में है मूंगावली, यहां पर खुली जेल है, और यही अशोक नगर में चंदेरी है दोस्तों, चंदेरी, चंदेरी के साड़ियां प्रसिद्ध हैं, चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, है ना, जागेश्वरी देवी का मेला भी यहीं पर लगता है चंदेरी में, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय स्थित है, पर्यावरण, हम बोलते ना कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
तो इनके लिए क्या होनी चाहिए, पर्यावरण न्यायालय होने चाहिए ना। इनका इन पर अगर मुकदमा चला जाएगा कि आप भैया पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पर केस होगा, तो इसके लिए एक न्यायालय होगा। और वो न्यायालय कहां पर बनाया जाएगा, भोपाल में, है ना। भू को क्या कर रहे हैं लोग, गंदा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे, तो ये भोपाल में ही होगा। यानी कि डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ए है दोस्तों आपका भोपाल। भोपाल को मैंने कई बार बताया है कि झीलों की नगरी कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी है, सर्प उद्यान जहां पर विभिन्न प्रजाति के सर्प पाए जाते हैं, कभी देख के आना। अगला है मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक स्थित है, जड़ी बूटी। अब आप लोग जड़ी बूटी खाते हो दोस्तों, खाते ना जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कहां पर होगी जल्दी से बताओ, जहां पर बहुत घने जंगल होंगे, जहां पर बहुत सारे प्रकार के जंगल पाए जाएंगे। हम बोलते थे ना कि सतपुड़ा के घने जंगल, उंगते अन मने जंगल, है ना, जहां घने जंगल होंगे, जहां पर बहुत सारी प्रजाति के पौधे होंगे, वहीं पर जड़ी बूटी बैंक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, कि पर्वत पठार में बना दिया जाएगा। तो ये जड़ी बूटी जो बैंक है दोस्तों, ये कहां पर है, पचमणी, पचमणी है, है ना, सतपुड़ा जो श्रेणी है यहां पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसी में पचमणी आता है, और यहां पर पचमणी में जड़ी बूटी बैंक है। याद रख लेना, सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहीं पर पचमणी में, है ना, तो याद रखेंगे। और यहीं पर हमने पढ़ लिया कि हमारा जो सर्वोच्च ऊंचा क्षेत्र है, ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, वो धूपगढ़ यहीं पर है, ठीक है, पचमणी में। पर्यटकों का जो है स्वर्ग इसे कहा जाता है, और जो आरक्षक होते ना, आरक्षक, आरक्षक को ट्रेनिंग भी दी जाती है दोस्तों यहीं पर पचमणी में, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और पचमणी कहां पर है, तो पचमणी आपका होशंगाबाद में है, है ना। और एक और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी होशंगाबाद में है, और ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है सतपुड़ा, ठीक है। एक और पूछ लिया जाता है, बोरी अभ्यारण्य कहां पर है, तो बोरी अभ्यारण्य भी आपका होशंगाबाद है। पचमणी कहां पर है, तो पचमणी होशंगाबाद में है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, आपको मैप के माध्यम से भी याद करते जाना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना, शासकीय लाख कारखाना स्थित है, तो कहां पर स्थित है, लाख, लाख आती ना, लाख आपने देखी होगी, लाख, ये कहां पर है। हम बोलते ना कि लाख लाख शुक्र है, हमारी उमरिया अभी छोटी है, लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी उमरिया अभी छोटी है, हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, है ना। तो लाख कारखाना कहां पर होगा, उमरिया छोटी है, तो कहां होगा, उमरिया में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उमरिया में दोस्तों एक आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, ठीक है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, उमरिया में है, और यहीं पर लाख कारखाना भी है उमरिया में, तो इसको आपको याद रखना है। और ए है दोस्तों आपका उमरिया, मैप में देखो उमरिया, ठीक है। और अगला बताना दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, सोयाबीन। अब आपको बताना है दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। हम पढ़ते ना कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन में होता है। अब सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सोयाबीन फ्री में बटरा है, सोयाबीन फ्री में बटरा है, तो आप कैसे आओगे, पैदल आओगे कि दौड़ दौड़ के आओगे, दौड़ दौड़ के आओगे ना, तो सोयाबीन फ्री में बटरा है, तो आप दौड़ दौड़ के आओगे, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों कहां पर, इंदौर। यानी कि जो आपका सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया, इंदौर में स्थित है, है ना। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, इंदौर। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसे कपड़ा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, कपड़ा नगरी कहा जाता है, अहिल्या नगरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, इंदौर को। और ये खान नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, खान नदी, याद रख लेना खान नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया खान नदी। तो इंदौर के बारे में आपको पता चल जाता है कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, है ना, और इसे कपड़ा नगरी कहा जाता है, अहिल्या नगरी कहा जाता है, खान नदी भी यहीं से निकलती है ना, तो याद रख लेना किनारे स्थित है, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। दोस्तों आप गेहूं, गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, 2 सेकंड में आप उत्तर तो बताया करो, ठीक है, अगर आपसे बनता है तो उत्तर बताया करो। मैं हिंट आपको देता हूं कि आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपको क्या मिलता है,
क्या मिलता है? पावर मिलता ना आपको, एनर्जी मिलता है कि नहीं? पावर मिलती है। आप गेहूं की रोटी खाते हो तो आपको पावर मिलती है, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, गेहूं से हमें क्या मिलती है, गेहूं की रोटी से पावर, तो पवार खेड़ा। कहां पर है? पवार खेड़ा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये पवार खेड़ा कहां पर है तो देख लेते हैं मैप में। ये है आपका होशंगाबाद दोस्तों, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और यहां पर आपका पवार खेड़ा है, ठीक है? तो याद रख लेना, होशंगाबाद से मैंने कई तत्व आपको बता दिए हैं कि पचमणी यहीं पर है, सतपुड़ा यहीं पर है, बोरी अभ्यारण यहीं पर है, ठीक है? और पवार खेड़ा जो कि यहां पर गेहूं अनुसंधान केंद्र है, ये भी कहां पर है? होशंगाबाद में है, ठीक है? अब दोस्तों आपको बताना, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब आप तो ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 2 सेकंड में आपको बताना है और आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या? नर्मदा नदी, है ना? नर्मदा नदी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कभी कभी पूछा जाता है तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कभी कभी पूछा जाता है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, तो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1077 किलोमीटर है। तो ये दो तथ्य आपको याद रखना है, नर्मदा की कुल लंबाई 1312, नर्मदा की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077, ठीक है? अब ये दोस्तों नर्मदा नदी की बात आई है तो ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका अनूपपुर, अनूपपुर जिला है, यहां है दोस्तों आपका अमरकंटक, अनूपपुर जिले में अमरकंटक है, यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। इस प्रकार से ये नर्मदा नदी ऐसी निकलती है और यहां से अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, सोन नदी, ठीक है? सोन नदी निकलती है और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, है ना? ये कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात बनता है, धुआंधार जलप्रपात बनता है, ठीक है? नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध स्थित है, ठीक है? ये चीज भी आपको याद रखनी है, सरदार सरोवर। तो इतनी चीजें आपको नर्मदा नदी के बारे में पता चल जाती हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो जल्दी से 2 सेकंड में आपको बताना है। अब महिला राज्यपाल होंगी दोस्तों तो ये कैसी होंगी? अपन बोलते ना कि वो बहुत सरल आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, है ना? ये राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी, इसलिए ये कैसी होंगी? सरल, बिल्कुल सरल, यानी कि सीधी सरल हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रथम महिला कौन होंगी? सुश्री सरला ग्रेवाल, है ना? वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? तो याद रखना है दोस्तों। अब आपको बताना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति बताना है दोस्तों, तो बड़ी कौन सी है? 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं और आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? भील, है ना? सबसे बड़ी जनजाति, पहले जो सबसे बड़ी जनजाति थी वो क्या थी? गौड़, वो कौन सी थी? गौड़, लेकिन अब कौन सी हो गई है? भील हो गई, यानी कि आपका नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आ गई है अब गौड़, ठीक है? याद रखना है, है ना? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति, है ना? बैगा जनजाति, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि बैगा जनजाति सुवा नृत्य करती है, कौन सी नृत्य करती? सुवा नृत्य बैगा जनजाति का है, और ये कौन सी कृषि करती है? जो कृषि ये करता है, ये बैगा जनजाति करती है, उस कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों बेवार कृषि। क्या कहा जाता है? बेवार कृषि। ये बेवार कृषि को दोस्तों झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। मध्य प्रदेश में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि झूमिंग कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है बेवार कृषि, है ना? मध्य प्रदेश में से बेवार कृषि, स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, ये कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति करती है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बताना, मध्य प्रदेश में गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? मैंने पूरे के पूरे मेले आपको याद करवाए हैं, बहुत अच्छी ट्रिक से याद करवाए हैं। अब गरीबनाथ का मेला आपको बताना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि गरीब रहते हैं, बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, उनको लोग जल्दी सजा देते हैं। क्या देते हैं? सजा देते हैं, तो गरीब है, मारो इसको। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, गरीब को
सजा नहीं देना है उसको, ऐसे कपड़े दिलाओ, ऐसा कुछ करो, उसका जीवन क्या हो जाए, सज जाए। तो गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, साजापुर, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ट्रिक आपके दिल तक पहुंच गई हो, छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों, है ना। और साजापुर कहाँ पर है, ये है दोस्तों आपका साजापुर, याद रख लेना, है ना, ये साजापुर है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक साजापुर को विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया है, आगर मालवा, है ना, आगर मालवा बना दिया गया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में मोती महल कहाँ स्थित है दोस्तों, मोती मोती महल कहाँ पर स्थित है। अब मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं कि अगर आपको कहीं मोती डला मिल जाए तो क्या होगा, आपका मन डोल जाएगा, आपका मन डोल जाएगा, उठाऊं या ना उठाऊं, उठाऊं या ना उठाऊं। तो मोती कहीं अगर मिल जाए तो मन डोल जाएगा, तो मोती महल कहाँ बना होगा, कहाँ होगा, बिल्कुल सही आंसर है मंडला, मंडला यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मोती मिल जाए तो मन डोल जाएगा, तो मंडला में बी नंबर सही है, ठीक है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मंडला, ठीक है, याद रखेंगे। और ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, ये चीज भी हमें बतानी है, किसने बनवाया था, ये आपका चैलेंज प्रश्न है, क्या है, चैलेंज प्रश्न, जो आपको कमेंट में लिखना है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से बताया था, ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी आपको करना है, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, प्रोत्साहन तो आप कर ही सकते हैं कि सर बहुत अच्छी ट्रिक, और कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी वो भी आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, सर कि ये बहुत अच्छी ट्रिक लगी है, ठीक है। तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, नई नई ट्रिक निकालने का प्रयास निरंतर करता रहता हूँ, है ना, और प्रोत्साहन मिले तो और अच्छे से मन लगता है। और आपको दोस्तों क्या करना है, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर से आप क्या है, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन सर्च करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। फेसबुक पे सर्च करना है सुमित जैन, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।